हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम बैक विद सब्जेक्ट इंग्लिश। यस चिल्ड्रन, इंग्लिश में हमने स्टार्ट किया हमारा यूनिट 5, हेयर वी आर डांसिंग। राइट चिल्ड्रन? यस, हेयर वी आर डांसिंग में आपने पढ़ा चालू वर्तमान काल, उसके रूल्स और उसके एग्जांपल्स। राइट? उसके बाद हमने सीखा एक्शन वर्ब्स के पीछे आईएनजी ऐड करना। यस और नो? यस। आफ्टर दैट व्हाट यू लर्नड? यस, हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व की जो चालू वर्तमान काल के रूल्स पर ही आधारित थी, जिसमें आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये सारे रूल्स पढ़ लिए, सिंगुलर, प्लूरल। राइट चिल्ड्रन? यस। सो इंग्लिश के आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एक एक्सरसाइज जो चालू वर्तमान काल पे ही बेस्ड है, बट ये एक्सरसाइज में आपको पिक्चर दिखेंगी और आपको वाक्य बनाना है। राइट? प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने क्या किया कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स किए, आपने फिल इन द ब्लैंक्स में आपने करेक्ट आंसर लिखा, बट अभी आपको वाक्य खुद से ही पूरा लिखना है। ओके, सो आर यू रेडी? यस। सी फर्स्ट पिक्चर ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी एक बॉय है जो क्या कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। राइट? सो उनका नाम क्या है? विनय। क्या नाम है? विनय। सो वाक्य विनय से स्टार्ट होगा क्योंकि विनय के बारे में ही वाक्य है। विनय, विनय एक बॉय का नाम है। हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे? इज। कौन सा यूज करेंगे? इज। विनय इज ब्रशिंग। Vinay is brushing, right? Come to number 2. अब आपको एक girl दिख रही है, right children? Girl दिख रही है, girl क्या कर रही है? Skipping, इतले दोरु बुदु। So, उस girl का नाम क्या है? पूजा। तो जिसके बारे में वाक्य है, हम उससे ही start करेंगे। पूजा। पूजा एक girl का name है, इसलिए हम helping verb कौन सा use करेंगे? Is. पूजा is skipping. पूजा इज स्किपिंग। पूजा जो है वो स्किपिंग अभी कर रही है, इतले चालू छे हमनी क्रिया, बरोबर? सो इसलिए हमने स्किप के पीछे आईएनजी ऐड किया। क्यों? क्योंकि वो अभी कूद रही है। पिक्चर में दिख रहा है ना आपको? यस। सो पूजा इज स्किपिंग। कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, देव। इनका नाम क्या है? देव। सो देव जो है वो चल रहे हैं सीधा, राइट? सो देव एक बॉय का नेम है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? इज। देव इज वॉकिंग। देव इज वॉकिंग। वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। राइट चिल्ड्रन? यस। फुल स्टॉप लगाने से ही हमको पता चलता है कि वाक्य फिनिश हो गया, राइट? देव इज वॉकिंग। कम टू द नेक्स्ट नंबर, एमी। क्या नाम है गर्ल का? एमी। सो एमी क्या कर रही है? शी इज राइटिंग हर होमवर्क, राइट? वो क्या कर रही है? अपना होमवर्क लिख रही है। सो एमी इज राइटिंग। एमी इज राइटिंग। कम टू द नेक्स्ट नंबर, मीता। गर्ल का नेम क्या है? मीता। आपको दिख रहा है मीता जो है वो चेयर पे बैठ गई है, राइट? तो आप कैसे वाक्य बनाओगे? मीता इज सिटिंग। मीता इज सिटिंग। कम टू द नेक्स्ट नंबर, गीता। मीता के बाद गीता। तो गीता क्या कर रही है? यस, गीता अपना बुक रीड कर रही है, जैसे आप सब अपने घर पे करते हो, राइट? गीता इज रीडिंग। रीड એટલે વાંચવું, રાઈટ? તો ગીતા ઇઝ રીડિંગ। કમ ટુ ધ નેક્સ્ટ નંબર, અનિલ। ક્યા હે બોય કા નેમ? અનિલ। અનિલ ઇઝ ધ નેમ ઓફ અ બોય, એટલે હમ ક્યા એડ કરેંગે? ઇઝ। અનિલ ઇઝ રનિંગ। અનિલ ઇઝ રનિંગ। વો દોડ રહા હે, રાઈટ? યસ। Come to the next number, Kunal. So Kunal is the name of a boy. So Kunal is batting. आपको पिक्चर में दिख रहा है कुणाल क्या कर रहे हैं? बैटिंग कर रहे हैं। यस, बॉयज लव टू प्ले क्रिकेट, राइट? यस।
Kunal is batting. Come to the next number, Harsh. Kya name hai boy ka? Harsh. So you can see in the picture, Harsh is crying. Wo ro raha hai. So Harsh is the name of a boy. We will add is. Harsh is crying. Full stop. See children, I hope कि आपको सारे rules याद हो. He sheet के साथ हम क्या use करते हैं? Is. You के साथ are. I के साथ am. We के साथ are. और they के साथ भी are. Right? Yes. Come to the next number. Manoj. क्या है boy का name? Manoj. Manoj is standing. वो क्या है? सीधे खड़े हैं ऐसे, right? So Manoj is standing. Okay? Come to the next picture. Nitin. आपको किसकी पिक्चर दिख रही है? नितिन की. और नितिन क्या कर रहे हैं? Swimming. Right children? Yes. So Nitin is swimming. Nitin is swimming. Come to the next number. Yes. What you can see? You can see a girl. Girl का नाम क्या है? Tina. क्या है? Tina. So girl क्या कर रही है? She is laughing, right? वो ऐसे हंस रही है, पिक्चर में आपको दिख रहा है. Yes, आप सबको भी हंसना चाहिए इसी तरह. Okay, Tina is laughing. Tina is laughing. Full stop. Next is Rita. आपको दिख रहा है girl? आपको दिख रही है girl की पिक्चर? What is girl doing? Girl is drinking water, right? So what is the name of the girl? Rita. Rita is drinking. Rita is drinking. Full stop. Okay. Come to the next number. Rahul. Yes. What is Rahul doing? Rahul is kicking one ball. Right. आप सब जब खेलते हो playground में क्या करते हो? Ball को kick करते हो. Right. So Rahul is kicking. Rahul is kicking. Come to the next number, Ajay. What is Ajay doing? Ajay is just taking a good sound sleep. Ajay जो है वो बहुत अच्छी नींद ले रहे हैं. So Ajay is sleeping. Ajay is sleeping. Full stop. Okay. Come to the next and last picture. Boy का नेम है Bharat. What is the name of the boy? Bharat. So Bharat is taking his meal. Bharat जो है वो खा रहे हैं खाना. So Bharat is eating. Bharat is eating. Okay children. Yes, I hope कि आपको आज की वीडियो समझ में आई हो. आज के इंग्लिश के लेक्चर में हमने क्या सीखा? कि जो भी हम क्रिया करते हैं वो हमें सेंटेंस में फॉर्म करना है. ओके, जैसे मैं लिख रही हूँ तो अनमोल मैम इज राइटिंग. फिर जैसे टीना खाना खा रही है तो टीना इज ईटिंग. फिर टीना सो रही है तो टीना इज स्लीपिंग. फिर टीना पढ़ रही है बुक, सो टीना इज रीडिंग. ओके, सो जो क्रिया अभी कोई कर रहा हो, राइट, तो जिसके बारे में सेंटेंस हो पहले उनका नाम आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब इटले इज एम आर. तो इज किसके साथ लगता है? ही शी इट के साथ. एम किसके साथ लगता है? आई के साथ. और आर बहुवचन के साथ, राइट, बहुवचन वाले शब्द जैसे दे, वी या फिर यू. राइट चिल्ड्रन? यस. और लास्ट में लगेगा वाक्य के फुल स्टॉप. इस तरीके से आप वाक्य आसानी से बना सकते हो. ओके, तो आज आपको क्या करना है घर पर, कि आप जैसे पढ़ रहे हो तो अपना नाम ले लीजिए कि हीना इज रीडिंग, राइट, हीना इज ड्रिंकिंग, हीना इज स्लीपिंग, हीना इज स्विमिंग. ओके, तो आपको इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहना है. ओके चिल्ड्रन, अब हम मिलेंगे इंग्लिश के नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यू. टिल दैट कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.